लोकी एपिसोड 2 के न्यू विलन के एक्सपोज हो जाने से ना ही सिर्फ टाइम कीपर्स और टीवीए खतरे में है, बल्कि पूरा का पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मल्टीवर्स की चपेट में आते हुए दिख रहा है। लेडी लोकी वो वेरिएंट निकली जो कि टीवीए एजेंट्स को मार के उनके डिवाइसेस चोरी कर रही थी। एपिसोड 2 के एंड में हमें ये दिखाया गया कि उसका मेन गोल टाइम कीपर्स की बनाई सेक्रेट टाइमलाइन को ब्रेक करना था, जो कि वो रॉक्सकॉन के वेयरहाउस में सभी डिवाइसेस को एक साथ एक्टिवेट करके करती भी है, जिससे कि वो टीवीए को हिला के रख देती है, जो कि शायद वो करना भी चाहती थी, या फिर ऐसा टीवीए एजेंट्स को लगता है और हमें दिखाया जा रहा है, बट क्या एक्चुअल में ऐसा ही है? हाय एंड वेलकम टू सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लेडी लोकी के एक्चुअल प्लान का ब्रेकडाउन। एपिसोड 1 के एंड में हमें ये एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि लोकी का ही एक वेरिएंट टीवीए के मिनटमैन और एजेंट्स को मार रहा है और उनके डिवाइसेस भी चुरा रहा है, और एपिसोड 2 का सारा टाइम इस वेरिएंट को पकड़ने की प्लानिंग में ही निकल गया, जहां कि फाइनली लोकी और मोबियस का एक साथ प्लानिंग करने की वजह से वो पहुंचे 2050 में अलाबामा, जहां फाइनली लोकी फेस टू फेस आया लेडी लोकी के। उसके सामने ही लेडी लोकी टीवीए के ही एक रिमोट को यूज करके बहुत सारे चुराए हुए डिवाइसेस को एक साथ एक्टिवेट करके भेज देती है अलग अलग लोकेशंस पे। ये सभी लोकेशंस ऐसे लगता है कि रैंडम है, पर ध्यान से नोटिस करें तो इनमें से बहुत सारी ऐसी लोकेशंस है जो कि एमसीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी लोकेशंस एक एक करके टीवीए की स्क्रीन में दिखती है। इनमें से नोटिस करने वाली लोकेशंस है नोवेयर, जो कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और इन्फिनिटी वॉर्स में दिखा था और जहाँ पे रहता है कलेक्टर। निफ्लहाइम, ये अस्गार्ड रेल्म की वो जगह है जहाँ पर ओडिन ने हेला को बैनिश किया है। ओडिन के मरने के बाद हेला वापस आई और जिसकी वजह से हुआ था रैग्नारोक यानी अस्गार्ड का एंड। वॉरमीर, जो हमने इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंडगेम में देखा है और जहाँ पर है सोल स्टोन, लेकिन सोल स्टोन के अलावा यहाँ पर रेड स्कल भी है जो कि इन्फिनिटी स्टोन को टच करने की वजह से यहाँ फंस गया है। साकार, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर रूल करता है। ईगो, जो कि स्टार लॉर्ड का फादर है और एक्चुअल में एक सेलेस्टियल प्लैनेट है। हाला, जो कि क्रीज का घर है और यहाँ पर कैप्टन मार्वल भी बनी थी। जैंडार, जो कि नोवा कॉर्प्स का प्लैनेट है। योतनहाइम, जो कि फ्रॉस्ट जायंट का घर है जहाँ से एक्चुअल में लोकी बिलोंग करता है। अस्गार्ड, और ये अस्गार्ड का प्रेजेंट टाइमलाइन नहीं है, ये थॉर के राजा बनने से 8 साल पहले का अस्गार्ड है, यानी कि इस टाइमलाइन में कुछ ऐसा चेंज होगा जिससे कि थॉर राजा ना बनके लोकी राजा बनेगा, क्योंकि हमने लोकी के ट्रेलर के कुछ सीन्स में लोकी को ओडिन की जगह बैठे हुए भी देखा है, शायद ये एक बड़ा चेंज आ सकता है इस टाइमलाइन में। और टाइटन, जिस प्लैनेट पे थैनोस रहता है, ये इस पूरी लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है एमसीयू की टाइमलाइन के लिए। मे बी ये जस्ट वो टाइम है जब टाइटन पे तबाही शुरू ही हुई थी। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स चेंज हो जिससे कि या तो थैनोस मर जाए या फिर टाइटन प्लैनेट्स के वॉर्स रुक जाएं। इन दोनों ही केसेस में थैनोस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन का मारने का प्लान कभी नहीं करता, ना ही वो लोकी को अर्थ पे भेजता, ना ही अवेंजर्स असेंबल होते, और उसके बाद की इन्फिनिटी वॉर्स और एंड गेम की एक एक इवेंट्स कभी नहीं होती। लेकिन क्या ये जो हमें दिखाया जा रहा है वही एक्चुअल में हो रहा है? लेडी लोकी को हंटर C20 की वजह से पता लगा है कि टाइम कीपर्स की लोकेशन क्या है, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं टीवीए के ऑफिस में ही है। तो लेडी लोकी का एक्चुअल प्लान इन लोकेशंस में कुछ गड़बड़ करने का ना होके बल्कि सिर्फ अफरा तफरी मचाने का था, जो कि उसने अचीव कर ही लिया है। अब जबकि टीवीए के सभी एजेंट्स टीवीए ऑफिस से बाहर जा चुके हैं उन लोकेशन पे कंट्रोल करने के लिए, लेडी लोकी अटैक कर सकती है टीवीए के ऑफिस पे जहां शायद हो सकते हैं टाइम कीपर्स। और ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि लेडी लोकी टाइम कीपर्स से और टीवीए से इतनी ज्यादा नफरत करती है? मुझे लगता है कि ये बात ऑलरेडी लोकी और मोबियस के डिस्कशन में पता चल ही गई थी कि लोकी भी टाइम कीपर्स के अपने हिसाब से टाइमलाइन को चलाने को लेके खुश नहीं है, और क्योंकि ये लेडी लोकी भी लोकी का ही एक वेरिएंट है, वो भी शायद टीवीए के टाइमलाइन कंट्रोल करने की वजह से खुश नहीं है, और शायद यही रीजन है कि वो टीवीए को खत्म करना चाहती है। बट वही हो सकता है कि लेडी लोकी जो कर रही है वही होना भी चाहिए। हो सकता है कि जो टाइम कीपर्स कर रहे हैं एक सेक्रेट टाइमलाइन को सही रखने के लिए, जो भी मल्टीवर्सल वॉर्स के बारे में उन्होंने सबको बताया है, वो सब कुछ शायद एक झूठ हो और ये लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए ऐसा कर रहे हो, और शायद लेडी लोकी को इस बारे में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर है जिस वजह से वो इनके अगेंस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लेडी लोकी को लोकी की हेल्प क्यों चाहिए? ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। हो सकता है कि उसने लोकी की कहानी सच मान ली हो जिसमें वो बताता है कि वो भी टीवीए को खत्म करना चाहता है, या फिर हो सकता है कि लेडी लोकी को उसके इविल प्लान के लिए लोकी की हेल्प की जरूरत हो, या फिर ये भी हो सकता है कि लेडी लोकी इन सभी लोकी के वेरिएंट्स को इकट्ठा करके एक आर्मी बना रही हो। मतलब कुछ भी पॉसिबल है। अब लेडी लोकी का एक्चुअल गोल कुछ भी हो, जो उसने अभी किया है उससे ना ही सिर्फ टाइम कीपर्स की लाइफ बल्कि कंप्लीट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर ये टाइमलाइन जिसे कि टीवीए कंट्रोल कर रहा है वो टूट जाती है, तो ये एमसीयू के लिए बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री का सोर्स बन जाएगा, और वो स्पेशली होंगे एक्समैन, जो कि एमसीयू में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं अब तक की टाइमलाइन के हिसाब से।
आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और हाँ, मेरे नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए सुपर फैंस को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज स्वप्निल और आप देख रहे थे सुपर फैंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।